हेलो, नमस्ते पद्मिनी जी। राधा जी, सब ठीक तो है ना? मधु, आरके? हाँ, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है ही। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? आपकी बेटी की थोड़ी सी बुराई करनी थी। मधु की बुराई? क्या क्या किया उसने? क्या ये बुरी बात नहीं है? हमारे यहाँ पे माता की पूजा रखी है और आपके बेटी ने आपको निमंत्रण नहीं दिया? निमंत्रण बेटी को देना चाहिए था। और दे रही है समधन जी, वो। हेलो पद्मिनी जी, लगता है आपने मेरी बात को सीरियसली लिया है। पद्मिनी जी, मैं तो मजाक कर रही थी। आज मैं इतनी खुश हूँ पद्मिनी जी। आप जानती भी हैं, आरके ने खुद कहा है माता की पूजा में आप सबको न्योता देना चाहिए। आप सबको आना है पद्मिनी जी? राधा जी, आपने तो हमें डरा ही दिया। वैसे रोमा और कृष्णा तो बाहर आउटडोर पर गए हुए हैं, लेकिन हाँ, मैं दर्शन करने के लिए जरूर आऊंगी। अकेले नहीं, भाई साहब को भी ले आइएगा। हाँ जी, जरूर। हम जरूर आएंगे। और मधु से भी तो लड़ना है कि उसने हमें क्यों नहीं बुलाया। बिल्कुल, वो सब आप आपस में निपट लीजिए। मुझे बहुत काम है, मैं फोन रखती हूँ, लेकिन आइएगा जरूर। हाँ ठीक है। मलिक, वो जी सुना मैंने, चलेंगे ना पद्मिनी जी? तो ठीक है, मैं अभी जाकर मिठाइयां लेकर आती हूँ। कायदे से देखा जाए तो पहली बार हम लोग मधु के यहाँ जा रहे हैं। सही कहा आप, हम कायदे से पहली बार मधु के ससुराल जा रहे हैं। मैं भी तो देखूं कि आप जो कहती रहती हैं कि मधु अपने ससुराल में इतनी खुश है, वो कितनी खुश है, या अपना दिल बहलाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। नहीं मलिक, विश्वास करिएगा पद्मिनी जी, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत निकला तो। जरा देखो तो, नहीं प्यारी लग रही है। इतनी तो ये साड़ी मुझ पर भी कभी नहीं खिली थी। रहने दीजिए माँ, इतनी भी अच्छी नहीं लग रही। अरे कह तो रही हूँ मैं। अच्छा तो एक काम कीजिए, एक फोटो दिखाइए जिसमें आपने ये साड़ी पहनी, सब पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, पहले कंगन तो पहन लो। बस ना माँ, बहुत हो गए। नहीं नहीं, तुम्हारे मायके वालों के सामने मेरी इज्जत की बात है, ये तो बहुत कम है। भगवान, देखा, सारे सरप्राइज का कबाड़ा कर दिया मैं। और मलिक आ रहे, पर मेरी तो मासे भी थोड़ी देर पहली बात हुई, उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया। अरे कैसे बताते, हम सब मिलकर तुझे सरप्राइज देना चाहते थे, पर मैं बेवकूफ, मैं सब कुछ उगल गई। तुझे पता है आरके ने खुद कहा है उन्हें बुलाने के लिए। थैंक्स मां। थैंक्स मुझे नहीं, अगर थैंक्स कहना ही है तो अपने आरके के खास दोस्त गणपति बापा से कहना, वो ही तो सब कुछ करा रहे बेटा।
यार के इससे मैं ऐसा वार करूंगा कि गर्दन तो तेरी कटेगी पर सबूत कुछ नहीं बचेगा। आरके, ये तुम्हारा तो लगता है मिस्टर इंडिया ने फाइनली गायब कर देने वाली घड़ी उतारी थी। अच्छी खासी लग रही है। मैं मदद करूं? वैसे आरके, मैं जानती हूँ तुम सॉरी और थैंक यू में विश्वास नहीं करते, पर फिर भी मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। तुमने माँ और मालिक को पूजा के लिए बुलाया, माँ मुझे बता रही थी। बीवी, तुम जानती हो मुझे, मैं एहसान रखने में विश्वास नहीं रखता। वो तो मुझे पता चला आपकी, जब मैं हॉस्पिटल में था तुम्हारी माँ ने मेरी सलामती के लिए पूजा रखवाई थी और प्रसाद भी लेकर आई थी, बस इसीलिए। पर मैंने तो तुमसे वजह नहीं पूछी, फिर भी मैं तो बस थैंक। अच्छा चलो, मैं थैंक यू नहीं कहती, पर मैं इतना तो कह सकती हूँ ना कि आई होप तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, है ना? इस वक्त मुझे दुआ की नहीं, दवा की जरूरत। कि मैंने डॉक्टर से बात की है, उन्होंने कहा ये दवाई तुम अभी नहीं ले सकते, इससे तुम्हें नींद और नशा आएगा और अभी तुम्हें पूजा में भी जाना है, तो तुम एक काम करो, तुम ना जल्दी से ये कुर्ता पहन लो, चलो उठो उठो आरके। तुम्हें याद दिला दूं मैं, आरके से स्टोन में कोई बात नहीं करता। तभी आरके किसी की बात नहीं मानता, अगर शुरुआत से ये टोन यूज किया होता ना तो आज ये हाल नहीं हुआ होता। चलो उठो, मैं तुम्हारी चेंज करने में हेल्प करती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं खुद पहन सकता हूं, दो। ठीक है। मुन्ना पाटिल, राजू कहां मर गए सब? सही सुना? तुमने गलती से तो बीवी नहीं कह दिया ना? नहीं, एनीवेज नेवर माइंड। आरके, तुम पिछले जन्म में खंबा थे क्या? खंबा? हाँ, खंबा ही अकड़ के खड़ा रहता है।
तुम में कोई काम करनी? मैं जानती हूँ। मुस्कुरा क्यों रही हो? मैंने कोई तारीफ नहीं की तुम्हारी। जब जानते हो अक्कर तारीफ नहीं होती तो फिर अकड़ते क्यों? वो मैं पूजा की तैयारी करके आती हूँ।